आज है हमारे पास एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जो कि विंग्स की तरफ से रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, दैट इज विंग्स थंडर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पिरथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। हम करेंगे इस कॉम्पैक्ट से बॉक्स की अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे हमें से कॉम्पैक्ट से बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है, फिर हम चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी और हम एक साउंड टेस्ट भी करके देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे और धीरे धीरे एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये वर्दी प्रोडक्ट है कि नहीं। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सो यहाँ पे आपको ऐसा पैकेजिंग मिल जाएगी विंग्स थंडर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर की, बिल्कुल आपको कॉम्पैक्स यहाँ पे पैकेजिंग मिल जाएगी। एंड अगर हम बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, इस कार्ड के थ्रू वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूजर मैनुअल, इसको आप चेकआउट करके सारी की सारी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, कैसे इसके मल्टीफंक्शन बटन वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं आप देख सकते हैं। एंड आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग केबल टू चार्ज योर ब्लूटूथ स्पीकर। अब हम आएंगे मेन प्रोडक्ट पे, दिस इज द विंग्स थंडर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। आपको ऐसा लुक एंड फील मिल जाएगा, बिल्कुल आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है इसका प्रीमियम। एंड ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको राउंड शेप में यहाँ पे आपको ग्रिल्स मिल जाएंगे, इसमें आपको 5 वॉट्स का साउंड आउटपुट मिलेगा, यहाँ से आपको साउंड आउटपुट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलने वाला है मल्टीफंक्शन बटन्स, ये कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड नीचे आपको छोटा सा स्लॉट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मिलने वाला है माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर ब्लूटूथ स्पीकर। साथ ही में आपको एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा, एसडी कार्ड के थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। सो ऐसा आपको लुक एंड फील यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम नीचे देखेंगे तो आपको मिलने वाला है डायफ्राम बेस रेडिएटर, आपको मिल जाएगा एक्जैक्टली कैसे बेस आउटपुट हम आगे साउंड टेस्ट करने वाले हैं। सो प्राइसिंग के हिसाब से आपको लुक एंड फील अच्छा प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा 5 वॉट्स का साउंड आउटपुट, 52 mm का बेस डायफ्राम, स्टीरियो मोड सपोर्ट करता है, 2 ऐसे आप ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलेगा फॉर कॉलिंग पर्पस, ब्लूटूथ प्लस एसडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप म्यूजिक को 50% या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। यार देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट अच्छे मैनेजेबल दिए गए, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। पहली चीज़ है वो कि ऑक्स केबल, ऑक्स इनपुट मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए था जो कि नहीं दिया है। आपको सिर्फ ब्लूटूथ और एसडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको एसडी कार्ड से प्ले करना था वो एक ऑप्शन दिया गया है प्लस पॉइंट, लेकिन ऑक्स का इनपुट नहीं दिया गया है। और साथ ही में मेरे हिसाब से उनको एक कैरिंग स्ट्रैप देना चाहिए था, ऐसे होल्ड करने में मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता, थोड़ा कैरिंग स्ट्रैप देते ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी मेंटेन की गई है, जो बिल्कुल आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है, बिल्कुल प्रीमियम लगता है। एंड साथ ही में इसमें आपको जो वेट दिया गया है इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट 290 ग्राम्स, ज़्यादा भारी भी नहीं है इसको, आप डेफिनेटली आराम से बैग में कहीं भी पोर्टेबल तरीके से कैरी कर सकते हैं। 5 वॉट्स का इसमें आपका आउटपुट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे एक डायफ्राम बेस रेडिएटर मिल जाएगा आपको छोटा सा, हम आगे एक्जैक्टली चेक करेंगे कैसे इसका बेस आउटपुट है, हम साउंड टेस्ट करेंगे इससे म्यूजिक और बेस पता करेंगे कैसे आगे। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 मल्टीफंक्शन बटन्स, यहाँ पे आपको बीच में जो मल्टीफंक्शन बटन दिया गया है इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसी से पावर ऑन होगा, और लॉन्ग प्रेस करने से पावर ऑफ होगा, सिंगल प्रेस करने से म्यूजिक प्ले होगा, म्यूजिक पॉज होगा, आंसर और रिजेक्ट कॉल होगा सिंगल प्रेस करने से, प्लस माइनस है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। सो इन 3 बटन से सारे के सारे आप फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे और इजीली एक्सेसिबल है, बड़े-बड़े आपको बटन्स मिल जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो बात होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी की, मल्टीफंक्शन बटन्स की। अगर हम बात करेंगे मेन, दैट इज साउंड टेस्ट, अब हम एक साउंड टेस्ट करेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे इससे म्यूजिक और बेस एक्सपीरियंस जो डायफ्राम दिया गया है बेस रेडिएटर कितना अच्छे से वर्क करता है। You're now rocking out at maximum volume. Yeah.
यार साउंड टेस्ट देखिए आपको अंदाजा लग सकता है ऐसे एग्जैक्टली म्यूजिक और बेस एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छी आपको लाउडनेस मिल जाएगी अगर आप 7 से 8 लोगों के बीच में भी बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, आउटिंग करते हैं, उसके लिए आप डेफिनेटली कंसीडर में रह सकते हैं। लाउडनेस काफी आपको मिल जाएगी एंड वोकल्स की क्लैरिटी काफी बढ़िया लगी मुझे। ट्रेबल्स भी बिल्कुल मेरे को बैलेंस लगे, वोकल्स की क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं लगी और बेस इसमें अच्छा पावरफुल दिया गया है। अगर आप बिल्कुल उसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे, जो नीचे डायफ्राम दिया गया है आपने देखा था वीडियो टेस्ट में, साउंड टेस्ट में, कि कैसे बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा था, अच्छा आपको बेस इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे पावरफुल प्राइसिंग के हिसाब से और 5 वाट्स के आउटपुट के हिसाब से। सो अगर आपको एक ओवरऑल कॉम्पैक्ट सा छोटा सा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए जिसमें आपको डायफ्राम का ऑप्शन मिल जाए, मीन्स बेस रेगुलेटर का ऑप्शन मिल जाए, साथ ही में आपको एडिक्वेट लाउडनेस मिल जाए जिससे आप 4 से 5 या 8 लोगों के बीच में अपनी गैदरिंग में, आप छोटी मोटी गैदरिंग में एंजॉय कर पाए, म्यूजिक वोकल्स क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी, ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। अगर हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की, सर मैं साउंड क्वालिटी को दूंगा 4.4 out of 5 और मैं बेस क्वालिटी को दूंगा 4.5 out of 5। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ब्लूटूथ स्पीकर अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपीज। बट अगर ये 1000 रुपए के आसपास होता तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट पैकेज था। अगर आपको ये 1000-1200 के आसपास मिल रहा है तो उसको ऑप्शन में रख सकते हैं, एक अच्छा खासा ऑप्शन है ये। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स एंड साउंड टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड विंग्स थंडर पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।